मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मैं अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के लिए आई थी और अभी यहाँ पर मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। उनमें से 3 ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही मेरे करीब हैं, जिनका नाम है मिंकू, प्रशांत और मोनू। हम सभी के दिन कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से ही बीत रहे थे और हम सभी बाहर से आए थे, हम दिल्ली के नहीं थे। मेरे मम्मी पापा भी फॉरेन में रहते हैं और कभी कभी मैं उनसे मिलने चले जाती हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे साथ 2 महीने पहले हुई थी, जब हम सभी दोस्तों का प्लान बन रहा था हिमाचल घूमने जाने का। ये प्लान की शुरुआत मुझसे ही हुई थी। हम 2 साल में कहीं भी बाहर घूमने के लिए नहीं गए थे और मेरा मन था तो मैंने अपने सारे दोस्तों से कहा कि क्यों ना इस बार कहीं बाहर घूमने जाया जाए, शायद हिमाचल ही सही। पर मेरे 2 दोस्तों ने तो मना कर दिया था। प्रशांत और मोनू ने मना कर दिया था, पर मिंकू मान गई थी क्योंकि उसके दादा दादी हिमाचल में ही रहते थे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता वहाँ पर स्टे करना। अगले दिन सुबह ही मुझे और मिंकू को निकलना था। मैं तो तैयार होकर स्टेशन पहुँच गई थी, लेकिन मिंकू को थोड़ा काम आ गया तो उसने मुझसे कहा कि मैं अकेले ही चले जाऊँ, वो मुझे शाम तक मिल जाएगी। उसने मुझसे कहा कि हिमाचल के स्टेशन में मुझे उसकी दादा दादी लेने के लिए आ जाएंगे। जैसे ही मैं स्टेशन के पास उतरी, वो बहुत अजीब था, सब कुछ बहुत सुनसान सा था और वहाँ पर सिर्फ एक ही बूढ़े अंकल थे और वो अपनी कार के पास खड़े होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की, मैं बस उनके पास गई, मैंने उनसे नमस्ते कहा और फिर हम दोनों साथ में कार में बैठ गए। मैंने फिर दादाजी को बताया कि मिंकू शाम तक आएगी तो अब भी हम घर ही चलते हैं। जैसे जैसे हम घर की तरफ जा रहे थे, रोड और भी ज़्यादा सुनसान होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये मिंकू ने मुझे कहाँ भेज दिया है। सबसे ज़्यादा अजीब तो मुझे तब लगा जब हम उसके घर पहुँचे। वो घर बहुत ही ज़्यादा अजीब था और बहुत ही पुराना सा दिख रहा था। शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर जंगल में मुझे लगा यहाँ हम कहाँ ही घूम पाएंगे। जैसे ही मैं कार से उतरी तो सामने दादी खड़ी हुई थी और वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रही थी। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे मिंकू समझ लिया है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रिया हूँ और मिंकू शाम तक आ जाएगी। तो उन्होंने स्माइल किया और फिर हम सभी साथ में घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही मैं मिंकू से बात करना चाहती थी और इसलिए नेटवर्क ढूंढ रही थी। वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क के लिए फिर मैं घर से बाहर आ गई और मुझे बहुत दूर तक चलते रहना पड़ा और फाइनली फिर मुझे नेटवर्क मिला। फिर मैंने मिंकू को कॉल लगाया। उससे बात करते वक्त उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि दादाजी की गाड़ी खराब हो गई थी और इसलिए वो स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए थे। तुम्हें एड्रेस तो पता ही होगा ना प्रिया, तुम एड्रेस में चली जाओ। तब मैंने कहा कि अरे दादाजी ही तो मुझे लेने आए थे, मैं अभी उन्हीं के ही तो घर में हूँ। तब उसने कहा कि अभी ही मुझे दादाजी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन पर उन्हें मिली ही नहीं। ये सब सुनकर मेरी धड़कनें रुक सी गई थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो वही व्यक्ति था जो मुझे लेने आया था। वो मुझे वापस अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही मैं अपने रूम में चली गई और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर में दादा दादी है कौन, ये मिंकू के दादा दादी है भी या नहीं। मैं फिर नीचे गई उनके पास और मैंने उनसे कहा कि हमें मिंकू को लेने के लिए स्टेशन जाना होगा। तब उन्होंने कहा कि इतनी रात को जाना ठीक नहीं। इतने में दादी ने कहा कि खाना बन गया है, पहले खाना खा लो फिर बात की बात में देखेंगे। पर मुझे मिंकू से किसी भी हालत में मिलना था तो मैंने कहा कि हम पहले मिंकू को लेने जाएंगे, उसके बाद ही हम साथ में खाना खाएंगे। ये सुनते ही दादाजी ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो रूम में चले गए और बहुत देर तक रूम में ढूंढने की आवाज़ें आ रही थी, पर मैं जानती थी कि गाड़ी की चाबी तो हॉल में है तो ये रूम में क्या ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तो मैं भागते हुए घर से बाहर निकल आई और रोड में बहुत तेज़ी से भागने लगी। मैं बस कैसे भी नेटवर्क में आना चाहती थी और एक बार मिंकू से बात करना चाहती थी। मुझे पता था कि वो आदमी मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आएगा। जैसे ही मैं नेटवर्क में आई, मैं तुरंत ही छुप गई और मैंने मिंकू से बात की। मिंकू ने बताया कि वो तो खुद अपने दादाजी के घर बैठी हुई है। ये सुनने के बाद मैं उसे सारी बात बता देती हूँ। जानने के बाद वो भी बहुत घबरा जाती है और वो मुझसे मेरी लोकेशन पूछती है। उसके बाद
फिर वो कहती है कि हम थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मैं डर कर उसी जगह पर छुपी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे लेने आ जाते हैं और रास्ते में मैं उन्हें सारी बातें बता देती हूँ। घर पहुँच कर उसके दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जादूगर हैं जो लोगों को अगवा कर लेते हैं। उस रात मैं पूरी तरह से सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह उठकर जब मैं हॉल में गई तो मुझे हॉल में एक तस्वीर मिली जो उसी दादा दादी की थी जो मुझे कल रात को मिले थे। वो देखकर मैं बहुत ही घबरा गई और मैंने उन सबसे पूछा कि ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है, ये वही तो लोग हैं जिन्होंने मुझे कल अगवा किया था। तब मिंकू ने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ये मेरे दादाजी के बड़े भाई हैं जो कि बहुत पहले ही मर चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं और मिंकू शॉपिंग पर जाने वाले थे क्योंकि मेरा सामान वहीं पर छूट गया था। मिंकू अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी तब तक मैं कार में जाकर बैठ गई। जब मैंने कार के अंदर देखा तो वहां पर मेरा बैग रखा हुआ था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये बैग आखिर यहाँ कर क्या रहा है। इतने में मिंकू आ गई और मैंने उससे इसी बारे में पूछा। उसने एक स्माइल किया और उसने बोला कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद उसने गाड़ी चालू की और हम जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मैंने नोटिस किया कि हम उसी जगह पर आ गए थे, उसी रोड पर जहाँ पर मैं कल रात को भाग रही थी। हम उसी रोड पर आगे जाते जा रहे थे। जैसे जैसे उस रोड में हम आगे बढ़ रहे थे मेरी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। हम उसी घर के पास पहुंच गए थे पर वो घर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। पर ऐसा कैसे हो सकता था, कल रात को तो वो जगह कुछ और ही थी। हम दोनों कार पर ही बैठे हुए थे और मिंकू बस सामने की तरफ देख रही थी। मैं उससे पूछ रही थी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और मेरा बैग उसके पास कैसे है। वो मुझे कोई भी आंसर नहीं कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा और उस पर जो नाम लिखा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मिंकू का फ़ोन था और वो मुझे फ़ोन कर रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मिंकू तो मेरे बाजू बैठी हुई थी। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया और फ़ोन पर उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई थी। उसने मुझसे फ़ोन पर कहा कि दादा दादी को मेरी कुछ मदद की ज़रूरत थी इसलिए वो अंदर ही रह गई थी, और जब उसने बाहर आकर देखा तो मैं उसे मिली ही नहीं। उसने मुझसे कहा कि आखिर तुम चली कहाँ गई हो प्रिया, मैं कब से कार के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसके ये सारे शब्द सुनने के बाद मेरी बोलती ही बंद हो गई थी और जैसे ही मैंने घबरा कर अपने बाजू देखा तो वहाँ मिंकू नहीं थी। वहाँ पर वही इंसान बैठा हुआ था जिसके घर में कल रात थी, वही दादाजी, और वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। मैं तुरंत ही बस उस कार से निकलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से ही मुझे एक झटका लगा और मानो जैसे मेरी आँखें खुल गई हों। जब मैं वापस से होश में आई तो वो कार जिसके अंदर मैं बैठी हुई थी वो बुरी तरह से जली हुई थी और मैं वहाँ पर अकेले थी।